जय भीम, जय टीपू सुल्तान। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर भी चेकपोस्ट है, जो भी दादागिरी कर अगर गाड़ी रुका रहे हैं, फर्स्ट तो उनके ऊपर FIR होना उनका काम नहीं है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। अगर जो लोग भी झुंड में आकर, ग्रुप बनाकर आकर, जो जो नारे लगाकर अगर गाड़ियां पकड़ रहे हैं और यहाँ लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऊपर FIR होना। जो लेकर आ रहा है उसके ऊपर तो करो, इलीगल जो ला रहा है, जिसके पास चिट्ठी नहीं है उसके ऊपर करो, हमको उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो पकड़ कर ला रहा फर्स्ट उसको अंदर डालो। जय टीपू सुल्तान, जय संविधान। अब गुलबर्गा में कुछ लोग हिंदू के नाम से, हिंदू संगठन के नाम से जो गुंडागर्दी दिन दहाड़े कर रहे हैं, ये जो गरीब फार्मर्स होते हैं, हिंदू हिंदू या मुसलमान, कोई भी गरीब फार्मर्स एक जगह से जानवर परचेज करके दूसरे जगह पर लेकर जाके सेल करना या खुद के लिए यूज करना या उनके खेती बाड़ी के लिए यूज करना, उन्हीं के लिए कुछ लोग परचेज करके लेकर आ रहे हैं। उसी जो गरीब इनोसेंट लोगों को जो हिंदू संगठन के नाम से गुलबर्गा में कुछ जो अनएम्प्लॉयड बेकार लोग संगठन के नाम से, और कुछ गुंडे लोग भी हैं उसमें, रोडी सीटर भी उन लोगों में, वो लोग आके वो गाड़ी ठहरा करके उनके रिसिप्ट नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, और उनको मारना, उनके पास पैसा 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 छीनना और मोबाइल लेना और ब्लैकमेल करना, ये धंधा कर रहे हैं। और जो रिसिप्ट होने के बावजूद संगठन के नाम से कुछ पुलिस को लेकर जो फॉल्स जो काउ स्लॉटर एक्ट में उनके ऊपर कंप्लेंट भी करवा रहे हैं, ये तो गलत, टोटली गलत हो रहे हैं। अभी ये ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, अभी मेरे पास लाइव ये है, बात किया तो अभी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके पास ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट है, हेल्थ ऑफिसर रिसिप्ट सर्टिफिकेट किया, जो डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी फॉल्स कंप्लेंट डाल देते हैं। मैं पूछता हूँ भाई क्या बात है, कंप्लेंट नहीं साहब, गलती हो गई हमसे, जो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक भी काउ स्लॉटर एक्ट में केस रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए हम साहब बोला कि ये केस करो बोल के हमने केस किए। ये क्या है गुलबर्गा में, तुम्हारी मर्जी आता किसी के ऊपर केस करना, तुम्हारी मर्जी आता किसी को छोड़ देना, और कोई गुंडा लोग आके रोडी सीटर जाके रोड के ऊपर खड़े होकर, रात खड़ा होकर जो ये गाड़ी गाड़ी के गरीब लोगों को, ड्राइवर को मार रहे हैं, किन्नर को मार रहे हैं, जो जानवर परचेज करके आए हैं, जो उनको जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने अभी हमारे दलित सेना की यूथ कमेटी की तरफ से पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा आज एक कंप्लेंट दे रहे हैं कि अभी फार्मर के खेती बाड़ी करने के लिए परचेज करके लेकर आता है, ये लोग कौन होता माइकल ले वो पकड़ के हमको ये करने का, मारने का, इनको मारने का परमिशन कौन दिया? पिछले 2-3 साल से हम मुसलमान भाइयों के साथ है, दलित पूरा टीम साथ है उनके, अभी उनके साथ खड़े रहेंगे, अगर है तो बोल दो हम आते तुम लोगों को देखने के लिए, कैसे कैसे ये नहीं होना। पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेना, गुंडा लोग आके रात भर के घूम रहा रोडिज्म कर रहे, क्या करे पुलिस पुलवा के? पहले बीजेपी सरकार तो हम बोल रहे एलिगेशन करते थे, बीजेपी सरकार कमनर सरकार मुसलमान को दलित के ऊपर हमला करे बोल के, एक कौन सा सरकार अभी ज्यादा हो रही है, कांग्रेस सरकार में नहीं देख सकते इन लोगों को? बोलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे, गरीब लोगों की रक्षा करना है ना, फार्मर्स को रक्षा करना है ना, और काउ स्लॉटर एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है सेक्शन 4 में, एक जगह पर जो गरीब जो फार्मर्स है जो खेती बाड़ी के लिए लेकर जाने के लिए सूट है, ये क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट होने के बाद, परमिशन होने के बाद, लेटर्स होने के, सर्टिफिकेट होने के बाद भी केस किए तुम लोगों के, ये एग्जाम्पल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में है, ये नहीं होना। अगर ये लोग ऐसा चालू करते तो हम रोड पर रोड को आना पड़ता है, ये ठीक नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं, हजारों घायल हो, ये हिंदू के नाम से, मैं भी हिंदू, हम गुंडागिरी नहीं करते, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर मानते हैं, टीपू सुल्तान को मानते हैं, बसवन को मानने वाले लोग हैं, शरण बसवेश्वर मानने वाले लोग हैं, खाजे बंदन मानने वाले लोग हैं, ऐसा गुंडागिरी नहीं, इनलीगल नहीं करते हम। तुम लोगों ने गौ माता की रक्षा करते बोलते हैं, हजारों गाय लोग तुम लोग सीज करवाए, अभी कहा है गाय, सब गाय गाय भैंस कहा है, कहा है? एक तो बता दो, ये साले लोग गुंडागिरी कर लेकर जाके कोई हिंदू गौशाला में रख देते, वो गौशाला हराम को वो वहां गाय मरे बोल के किसी को हैदराबाद कसाई खानों की सेल कर रहे हैं, हमें मालूम है ना। अभी एक अपना क्या नाम उसका वो केस, नहीं जावेद ने, जावेद ने वो प्रतापवाद का, प्रतापवाद के गौशाला के मेंबर बोल के घूमता था, उसके ऊपर केशव मोटकी बोल के एक हिंदू नाम के जो मैं गौशाला के स्टेट मेंबर हूँ वो बोल के बोलता था, उसके गौशाले से गाय जानवर गायब है बोल के उनके ऊपर ग्रामीण केस रेट हो गया।
और अपना रेवगी कालगी रेवगी रेवगी जो गौशाला में कुछ गाय भेजे थे और वहां की गौशाला में गाय नहीं है, अभी भी लेकर जाके वहीं रेवगी में रख रहे, वहां कुछ गौशाला रोग में सब एक एक गाय मर गया बोलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे, कहां जा रहे सब उनके लोग उसमें शामिल है लोग, इन लोगों को तुरंत एक्शन लेना है ना। डीसी क्या करे गुलबर्ग के, बोल एसपी क्या करे गुलबर्ग के, कमिश्नर क्या कर क्या कर रहे गुलबर्ग के, ये जो गुंडा गो माफिया जो गो माफिया जो कसाई खाने के जो जो टीम से शामिल होकर कसाई खाने के माफिया के साथ शामिल होकर ये लोग जो जानवर सप्लाई करने में बिजी है, तो क्या कर रहे पोलिस डिपार्टमेंट वाले, गरीब फार्मर को एक्शन लेते तुम लोग, गरीब लोगों को केस क्रिमिनल केस करते तुम लोग, उन लोगों को जो देखो कल ये जो ग्रामीण में केस रेट होता भैंस लेकर आए लोग, वो तो प्रेग्नेंट भैंस है वो लोग घर के लिए भेज लेकर आ रहे कि एक जगह से एक भेजने सेल करने के लिए ये प्रेग्नेंट जो है भैंस लेकर आ रहे वो कसाई खाने के लिए जो तुम लेकर काटने के लिए ला रहे वो बकरी के लिए लेकर आ रहे बोल के उसको सीज कर करते तुम लोग, एक इंसान ना इंसान था क्या नहीं है, ह्यूमैनिटी है क्या ना तुम लोगों पर, एक्ट में पड़ा पहले कि गौशाला ट्रैक्टर एक्ट क्या है, वो गांव ट्रैक्टर में लो लारी में लेकर आ रहे उसको पानी नहीं दे रहे उनको गर्दन को ये कर रहे ऐसा करते थे, एक एक लारी में चार 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 नहीं ला सकते, ये भी देखा ना पुलिस को एफआईआर तुरंत एफआईआर कर रहे, ये गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, अगर गुंडागर्दी ऐसा चल रहा तो हमको आना पड़ेगा वो बीच रस्ते पे, अच्छी ठीक नहीं होगा।